स्वामी शिवानंदा कहते हैं किन योगासनों को रेगुलर प्रैक्टिस करने से सेक्सुअल डिजायर को कंट्रोल करने में काफी मदद मिलती है। शीर्षासन और सर्वांगासन की प्रैक्टिस से डाइजेशन, कम्युनिकेशन और नर्वस सिस्टम एक ही बार में ठीक हो जाते हैं। नाइटफॉल और कई दूसरी बीमारियों के लिए सबसे अच्छा तरीका है। सिद्धासन टेस्टिस और उसके सेल्स पर काम करता है और स्पर्म के प्रोडक्शन को रोकता है। शीर्षासन और सर्वांगासन स्पर्म को माइंड की तरफ फ्लो होने में मदद करते हैं। पादुंगोष्ठासन स्पर्म नली पर इफेक्टिवली काम करता है। द प्रैक्टिस ऑफ ब्रह्मचार्य बाय स्वामी शिवानंदा। ये बुक ब्रह्मचार्य के कॉन्सेप्ट पर फोकस करती है, जो स्पिरिचुअल और पर्सनल ग्रोथ के कॉन्टेक्स्ट में सेल्फ कंट्रोल और ब्रह्मचार्य के बारे में बताती है। इसमें आप ब्रह्मचार्य से जुड़ी हुई रियल लाइफ स्टोरी जानेंगे और ऐसी प्रैक्टिसेस सीखेंगे जिन्हें आसानी से अपनाकर आप अपनी सेक्सुअल डिजायर को कंट्रोल कर सकते हैं और हाइपर फोकस इंसान बन सकते हैं जिसका फोकस अपने गोल पर रहता है। इसके साथ साथ आपको नाइटफॉल से बचने में बहुत मदद मिलेगी और आप जानेंगे कि आपको अपने स्पर्म को कैसे कंट्रोल करना है। सबसे पहले आपको कुछ रियल कहानियां सुनाई जाएंगी जिससे आपको पता चलेगा कि लोगों ने ब्रह्मचार्य को कैसे फॉलो किया। उसके बाद आप उन आसनों के बारे में जानेंगे जिन्हें प्रैक्टिस करके आप ब्रह्मचार्य का पालन कर पाएंगे। तो सबसे पहले ब्रह्मचार्य से जुड़ी कुछ कहानियों के बारे में जानते हैं। वासना की ताकत, जैमिनी की कहानी। एक बार की बात है, श्री वेदव्यास अपने स्टूडेंट्स की वेदांत की क्लास ले रहे थे। अपने लेक्चर के दौरान उन्होंने एक्सप्लेन किया कि यंग ब्रह्मचार्यों को बहुत अवेयर रहना चाहिए, उन्हें लड़कियों के साथ घुलना मिलना नहीं चाहिए क्योंकि इससे वो अपने पूरे डिसिप्लिन और अवेयरनेस के बावजूद काम वासना का शिकार हो सकते हैं। उनके एक स्टूडेंट स्पिरिचुअल बुक पूर्व मीमांसा के ऑथर जैमिनी पूरे उत्साह से खड़े होकर बोले, गुरुजी आपकी बात गलत है, कोई लड़की मुझे अट्रैक्ट नहीं कर सकती क्योंकि मैं ब्रह्मचार्य के नियमों का अच्छी तरह से पालन करता हूँ। गुरु व्यास ने कहा, जैमिनी तुम इसे जल्दी जान जाओगे, मैं बनारस जा रहा हूँ, 3 महीने में वापस आऊंगा, तब तक अपना ध्यान रखना। स्वामी व्यास आश्रम से चले गए, कुछ दूर जंगल पर पहुंचकर आराम किया। फिर स्टूडेंट का टेस्ट लेने के लिए उन्होंने अपनी योगिक पावर से एक सुंदर यंग लड़की का रूप ले लिया और दोबारा से आश्रम के पास चले गए। लड़की की आंखें बहुत खूबसूरत लग रही थी और वो बहुत ही अट्रैक्टिव चेहरा था। वो पतले रेशमी कपड़ों में अच्छी तरह से सजी हुई थी। लड़की सूर्यास्त के समय एक पेड़ के नीचे खड़ी थी, तभी बादल इकट्ठा हो गए और बरसात होने लगी। उसी समय जैमिनी पेड़ के किनारे से गुजर रहे थे। उन्होंने लड़की को देखा तो उस तरह बारिश में अकेले रहने की वजह से लड़की को मदद करने की भावना से बोले, आप मौसम ठीक होने तक हमारे आश्रम में आराम कर लो। लड़की ने पूछा, क्या आप अकेले रह रहे हैं या वहाँ कोई और लड़की भी रहती है? जैमिनी ने जवाब दिया, मैं अकेला ही रह रहा हूँ, लेकिन मैं ब्रह्मचारी हूँ, कोई वासना मुझे अफेक्ट नहीं कर सकती, मैं किसी भी तरह के सेक्सुअल डिस्ट्रैक्शन से मुक्त हूँ, आप वहाँ बेफिक्र रह सकती हैं। लड़की ने कहा, एक यंग क्वारी लड़की के लिए रात में अकेले ब्रह्मचारी के साथ रहना सही नहीं है। जैमिनी ने कहा, हे कन्या डरो मत, मैं आपको अपने ब्रह्मचार्य का वचन देता हूँ। जैमिनी की बातों से सेटिस्फाई होकर लड़की आश्रम में ठहरने चली गई। जैमिनी बाहर सोए हुए थे और लड़की अंदर कमरे में सो रही थी। रात के अंधेरे में जैमिनी के मन में वासना की फीलिंग उठने लगी। सबसे पहले उनके मन में एक छोटी सी काम वासना उठी, इसलिए इससे प्रभावित होकर उन्होंने शुद्ध विचारों के साथ दरवाजा खटखटाया और कहा, अरे कन्या बाहर ठंडी हवा चल रही है, मुझसे यहाँ रहा नहीं जा रहा है, इसलिए मैं अंदर सोना चाहता हूँ। लड़की ने दरवाजा खोला, जैमिनी अंदर जाकर सो गए। अब वो एक लड़की के बहुत करीब थे, इसलिए थोड़े समय बाद उनमें काम वासना थोड़ी और तेज हो गई। फिर वो लड़की के और करीब आए और उससे बातें करने लगे। बातें करते करते काम वासना और तेज होने लगी। कुछ देर बाद दोनों करीब आ गए और एक दूसरे के गले लग गए। तभी अचानक से श्री व्यास ने अपनी लंबी दाढ़ी के साथ अपना असली रूप धारण कर लिया और कहा, ओह मेरे प्यारे जैमिनी, अब तुम्हारी ब्रह्मचार्य की ताकत कहाँ गई? क्या तुम्हारी ब्रह्मचार्य ने ऐसा करने से तुम्हें नहीं रोका? इस कहानी से पता चलता है कि वासना और अपोजिट सेक्स की तरफ बड़े बड़े विद्वान और डिसिप्लिन लोग भी अट्रैक्ट हो जाते हैं, इसलिए ब्रह्मचारियों को बहुत सावधान रहना चाहिए और उन्हें लड़कियों के साथ घुलना मिलना नहीं चाहिए। अब हम एक और कहानी के बारे में बात करते हैं, इंसान के मन पर इच्छा की पकड़, सुकरात और उनके स्टूडेंट्स। सुकरात के एक स्टूडेंट में से एक ने अपने गुरु से पूछा, मेरे रिस्पेक्टेड गुरु कृपया मुझे बताएं कि एक पति को अपनी पत्नी से कितनी बार क्लोज रिलेशनशिप बनाना चाहिए? सुकरात ने जवाब दिया, अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार। स्टूडेंट ने कहा, गुरुजी आजकल के आदमियों के लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल है, आजकल की दुनिया इस तरह के अट्रैक्शन से भरी है, अट्रैक्शन के इस दौर में पतियों में इतनी मजबूत इच्छा शक्ति नहीं है, पत्नी के करीब आने से मन में ये फीलिंग आने ही लगती है और मन जोश से भर जाता है। आप एक फिलोसोफर और योगी हैं, आप इस फीलिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत मुश्किल है, इसलिए कृपया दुनिया के आदमियों के लिए एक आसान सा रास्ता बताएं। तब सुकरात ने कहा, कपल साल में एक बार सेक्स कर सकते हैं। स्टूडेंट ने जवाब दिया, महाराज ये भी उनके लिए बहुत मुश्किल काम है, आपको इससे भी आसान एक्सरसाइज बतानी चाहिए। सुकरात ने तब जवाब दिया, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, महीने में एक बार ये बेहतर है और काफी आसान है, मुझे लगता है कि अब तुम खुश हो। स्टूडेंट ने कहा,
हाँ गुरुजी। इस मामले पर उन्होंने ध्यान से सोचा, ब्रह्मचर्य की इम्पोर्टेंस और वैल्यू को समझा। उन्होंने समझा कि ब्रह्मचर्य सिर्फ खुशी और कंफर्ट के बारे में नहीं है। उन्होंने सुकरात की बात को अपनी लाइफ में अपनाना शुरू कर दिया और जीवन भर इस ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। इस तरीके को अपनाने से उनकी मैरिड लाइफ काफी खुशहाल हुई और काम में अच्छी तरह से ध्यान देने पाने से उन्होंने कई स्पिरिचुअल उपलब्धियों को हासिल किया और वो एक अच्छे योगी बने। अब एक और कहानी एंजॉयमेंट से वासना बढ़ती है, राजा ययाति की कहानी। एक बार की बात है, ययाति नाम के एक साधु राजा थे जो पूरे 1000 साल तक जिंदा रहे और राजा की तरह सभी सुखों का आनंद लिया। जब वो बूढ़े होने लगे तब भी कुछ और सालों तक सभी शाही सुखों का आनंद लेने की उनकी बड़ी इच्छा थी, इसलिए उन्होंने अपने हर एक बेटे से एक एक करके इस बुढ़ापे को अपने ऊपर लेने और बदले में अपनी जवानी देने के लिए कहा और वादा किया कि 1000 साल के बाद उसे जवानी वापस मिल जाएगी। तब बेटों को अपनी जवानी लुटाकर उनका बुढ़ापा ले लेगा। पुरु नाम के उनके सबसे छोटे बेटे को छोड़कर उनमें से कोई भी इसको मानने को तैयार नहीं था। पुरु ने कहा कि वो अपने पिता की इच्छा के अनुसार ऐसा करने के लिए तैयार है और उन्होंने अपने पिता को जवानी दे दी, बदले में बुढ़ापा कमजोरी ले ली। ययाति अपनी नई जवानी से खुश होकर फिर से इंद्रियों के सुखों में लिप्त होने लगे। उन्होंने अपनी इच्छाओं और शक्तियों की पूरी सीमा तक धर्म के नियमों को तोड़े बिना जितना चाहा उतना आनंद लिया। वो बहुत खुश थे, लेकिन सिर्फ एक विचार उन्हें परेशान कर रहा था और वो था कि 1000 साल जल्दी पूरे होने वाले हैं। जब तय समय पूरा हो गया तो वो अपने बेटे पुरु के पास आया और उसे कहा, बेटे मैंने अपनी इच्छाओं और शक्तियों की पूरी सीमा तक अपनी इच्छा के अनुसार तुम्हारी जवानी का मजा लिया, लेकिन अब भी मेरा मन नहीं भरा है। इच्छा कभी नहीं मरती, पूरी करने से इनकी कभी संतुष्टि नहीं होती। उन्हें पूरा करने से ये उसी तरह जलने लगती है जैसे आग में घी डालने से वो बढ़ती है। अगर कोई सारे अच्छे खाने, पशु और स्त्रियों सहित सारी दुनिया का मालिक बन जाए तो भी वो उसे काफी नहीं समझेगा, इसलिए इसका त्याग करना सीखना चाहिए। इस अट्रैक्शन से भरी दुनिया में इसका त्याग करना मुश्किल होगा, लेकिन इस प्यास से छुटकारा पाना ही सच्चा सुख है। पूरे 1000 साल तक मेरा मन जीवन के सुखों में लगा रहा, लेकिन आज भी उनके लिए मेरी प्यास कम होने की बजाय हर दिन बढ़ती ही जा रही है, इसलिए मैं इससे छुटकारा पाने के लिए अब से अपना मन भ्रम में लगाऊंगा और शांत होकर और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपने बाकी दिनों को जंगल में बिताऊंगा। ऐसा कहकर उन्होंने पुरु को उसकी जवानी वापस देकर राजगद्दी पर बिठाया और सन्यासी का जीवन बिताने के लिए वन में चले गए। अगली कहानी है शारीरिक सुंदरता कोई सुंदरता नहीं है, एक राजकुमार की कहानी। एक बार एक यंग राजकुमार शिकार के लिए नदी के पास से गुजर रहा था, तभी उसने नदी के किनारे एक सुंदर राजकुमारी को देखा। राजकुमारी फिलोसॉफिकल माइंडसेट की थी और उसने कई फिलोसॉफिकल बुक्स में महारत हासिल की हुई थी। वो सेल्फ कंट्रोल की प्रैक्टिस कर रही थी। राजकुमार उसके पास गया और चाहता था कि वो उससे शादी करे, लेकिन राजकुमारी ने साफ मना कर दिया। राजकुमार ने बार बार उससे तरह तरह की मिन्नतें की। उसने अंत में उससे कहा, 10 दिनों के बाद मुझसे मेरे घर पर आकर मिले, तब मैं तुमसे शादी करूंगी। राजकुमार भी फिलॉसफी सीखता था, लेकिन उसने इसे प्रैक्टिकल लाइफ में अपनाना शुरू नहीं किया था। राजकुमारी से मिलने के लिए वो बहुत एक्साइटेड था। 10वें दिन के सुबह एक्साइटमेंट से राजकुमारी की मेल की तरफ बढ़ा। राजकुमारी पिछले 10 दिनों से बिना सजे बस अपने सेल्फ कंट्रोल के तरीकों को ढूंढने में लगी थी, इसलिए 10वें दिन राजकुमार ने जब राजकुमारी को देखा तो वो एक आम सी लड़की लग रही थी। राजकुमार उसे देखकर बोला, ये राजकुमारी नहीं है। राजकुमारी बोली, यही मेरी असली सुंदरता है। राजकुमार लड़की की मन की सुंदरता से प्रभावित हुआ। उसने लड़की से एक शब्द नहीं कहा, उन्हें प्रणाम किया और दोनों ने खुशी खुशी शादी कर ली। अब एक और कहानी, व्यस्त रहना वासना को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है। एक भूत की कहानी। मन भूत की तरह है जो हमेशा बेचैन रहता है। एक बार एक ब्राह्मण पंडित ने मंत्र सिद्धि से एक भूत को वश में कर लिया। भूत ने पंडित से कहा, मैं 1 मिनट में तुम्हारे लिए कोई भी काम कर सकता हूँ, मेरे पास इनविजिबल शक्तियाँ हैं, लेकिन शर्त ये है कि आप मुझे हर समय तरह तरह के काम देते रहेंगे। अगर तुम मुझे एक पल के लिए भी बिना काम के फ्री छोड़ोगे तो मैं तुरंत तुम्हें खा जाऊंगा। ब्राह्मण राजी हो गया। भूत ने ब्राह्मण के लिए एक तालाब खोदा, खेत जोत डाले और बहुत कम समय में तरह तरह के काम किए। अब सारे काम खत्म हो गए थे और ब्राह्मण भूत को आगे किसी काम में नहीं लगा पा रहा था। भूत ने उसे धमकी दी, अब मेरे लिए कोई काम नहीं है, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ब्राह्मण बहुत हैरान हुआ, वो नहीं जानता था कि वो क्या करे। वो अपने गुरु के पास गया और अपनी कंडीशन बताई। उनके गुरु ने कहा, अपनी कॉमन सेंस का यूज करो, अपने घर के सामने एक बड़ा मोटा मुलायम लकड़ी का खंभा लगवाओ, उस पर तेल मोम और दूसरी चिकनी चीजें लगवाओ। भूत से कहो कि उस खंभे के ऊपर चढ़े, नीचे उतरे, फिर चढ़े और उतरे, ऐसा दिन रात करता रहे। शिष्य ने उसी तरह काम किया और बिना किसी मुश्किल के भूत को कंट्रोल कर लिया। इसी तरह मन को हमेशा कुछ न कुछ काम देते रहना चाहिए, इसे पूरी तरह से बिजी रखना चाहिए, तभी मन को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। इससे आपके मन में कोई गलत थॉट नहीं आएगा और फिजिकल और मेंटल ब्रह्मचर्य दोनों अच्छी तरह से कर सकेंगे। अब हम ब्रह्मचर्य के लिए जरूरी योगा की बात करेंगे। स्वामी शिवानंदा कहते हैं, किन योगासनों को रेगुलर प्रैक्टिस करने से सेक्सुअल डिजायर को कंट्रोल करने में काफी मदद मिलती है।
शीर्षासन, सर्वांगासन आपको एक्टिव रहने में मदद करेंगे। प्राणायाम करने से मन धीरे धीरे ग्रॉस से सटल दुनिया की तरफ बढ़ता है, जिससे बारीकी से समझ मिलती है कि सेक्सुअल डिजायर का एक्चुअल रीजन क्या है और कैसे कंट्रोल करना है। इसलिए अब से जब कोई बुरा विचार आपके मन को परेशान करे तो तुरंत पद्मासन या सिद्धासन करें और प्राणायाम की प्रैक्टिस करें, वो विचार आपको तुरंत छोड़ देगा। इसके लिए आपको इन योगासनों को प्रैक्टिस करना चाहिए। सिद्धासन, ब्रह्मचर्य प्रैक्टिस के लिए योगी इस आसन की बहुत तारीफ करते हैं। यह डिजायर को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसे करने के लिए मेडिटेशन की पोजीशन में बैठ जाएं, बाईं एड़ी को गुर्दे के पास रखें, दाहिनी एड़ी को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के नीचे या उसके ठीक ऊपर रखें, बाकी शरीर, गर्दन और सिर को सीधा रखें और हाथों को दाहिनी एड़ी पर रखें। शुरुआत करने के लिए आधे घंटे तक बैठें और फिर धीरे धीरे इस ड्यूरेशन को 3 घंटे तक बढ़ाएं। इस आसन में 3 घंटे तक बैठने को आसन जय या आसन पर कंट्रोल कहा जाता है। शीर्षासन, ये सभी आसनों का राजा है। इस आसन से मिलने वाले फायदे अनगिनत है। ये स्पेशली रात के डिस्चार्ज को रोकने और स्पिरिचुअल एनर्जी के रूप में माइंड की तरफ स्पर्म्स के फ्लो में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे करने के लिए एक मुड़ा हुआ कंबल जमीन पर बिछा दें, फिंगर लॉक बनाकर कंबल के ऊपर रख दें। अब अपने सिर के ऊपर वाले हिस्से को दोनों हाथों के बीच में रखें। बिना किसी झटके के पैरों को धीरे धीरे तब तक ऊपर उठाएं जब तक कि वो सीधे ना हो जाएं। प्रैक्टिस की शुरुआत में एक दीवार की मदद लें या अपने किसी दोस्त से अपने पैरों को पकड़ने के लिए कहें। कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद आप बैलेंस बना पाएंगे। जब आसन पूरा हो जाए तो पैरों को धीरे धीरे नीचे लाएं। जब आप आसन कर रहे हो तो नाक से ही सांस लें। कभी मुंह से या कभी नाक से सांस लेना और सांस छोड़ना आसन के बैलेंस को खराब कर देगा। इस आसन को तब करें जब आपका पेट खाली या हल्का हो। इस आसन की रेगुलर प्रैक्टिस से पेट, आंत, फेफड़े, दिल, गुर्दे, रिप्रोडक्शन सिस्टम, टॉयलेट सिस्टम, कान और आंखों के कई पुराने रोग ठीक हो जाते हैं। सर्वांगासन, ये एक इम्पोर्टेंट पोजिशन है जो ब्रह्मचारी की प्रैक्टिस में रेगुलरली आपकी मदद कर सकती है। शीर्षासन और सर्वांगासन की प्रैक्टिस से डाइजेशन, कम्युनिकेशन और नर्वस सिस्टम एक ही बार में ठीक हो जाते हैं। ये कोई अट्रैक्टिव शब्द नहीं है। प्रैक्टिस करें और बेनिफिशियल इफेक्ट को महसूस करें। नाइटफॉल और कई दूसरी बीमारियों के लिए सबसे अच्छा तरीका है। इससे प्रैक्टिशनर की आंखों में एक हेल्दी चमक और अट्रैक्शन बढ़ती है। इसे करने के लिए जमीन पर कंबल बिछा दें, पीठ के बल बिल्कुल सपाट लेट जाएं, धीरे धीरे शरीर कूलो और पैरों को ऊपर उठाएं, दोनों तरफ हाथों से पीठ को सहारा दें। शरीर का पूरा भार अब कंधों और कोहनियों पर रहेगा। पैरों को बैलेंस रखें, ठोड़ी को छाती से मजबूती से दबाएं, धीरे धीरे सिर्फ नाक से ही सांस लें। 5 मिनट से शुरू करें और जितनी देर हो सके आसन में रहने की कोशिश करें। मत्स्यासन, सर्वांगासन के तुरंत बाद इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये सर्वांगासन की लंबी प्रैक्टिस के कारण हुई गर्दन की जकड़न और सर्वाइकल एरिया की सभी ऐंठन से राहत दिलाएगा। इससे गर्दन और कंधे वाले हिस्सों की नेचुरल मालिश होती है। इसे करने के लिए दाहिने पैर को बाईं जांघ के ऊपर, बाएं पैर को दाईं जांघ के ऊपर रखकर कंबल के ऊपर पद्मासन में बैठ जाएं। फिर पीठ के बल सीधे लेट जाएं, सिर को पीछे की ओर ताने ताकि आपके सिर का ऊपरी हिस्सा एक तरफ मजबूती से जमीन पर टिका रहे और कूले दूसरी तरफ। इस तरह बॉडी का एक पुल बन जाएगा। हाथों को जांघों पर रखें या पंजों को पकड़ें। इसी के साथ आपको बैक को अच्छा ट्विस्ट देना होगा। पादंगुष्ठासन, बाईं एड़ी को सेंटर के दाईं ओर रखें, शरीर का पूरा भार पंजों पर डालें, स्पेशली पैर के अंगूठों पर। दाहिने पैर को बाईं जांघ के ऊपर घुटने के पास रखें। अब बैलेंस रखते हुए संभल कर बैठें। अगर इस आसन को ठीक से करने में आपको परेशानी हो रही है तो आप किसी बेंच की मदद ले सकते हैं या किसी दीवार के सहारे बैठ सकते हैं। हाथों को कूले के साइड में रखें, धीरे धीरे सांस लें। इसे करने से पेरिनियल स्पेस 4 इंच चौड़ा होता है। इस जगह के नीचे स्पर्म नली है जो टेस्टिस से स्पर्म को ले जाती है। इस नली को एड़ी से दबाने से स्पर्म का फ्लो रुक जाता है। इस आसन की रेगुलर प्रैक्टिस करने से नाइटफॉल और डिस्चार्ज की परेशानी दूर हो जाती हैं और इंसान एक ब्रह्मचारी योगी बन जाता है। शीर्षासन, सर्वांगासन और सिद्धासन, इन जैसे आसनों की कम्बाइंड प्रैक्टिस ब्रह्मचार्य को बनाए रखने के लिए बहुत सुटेबल है। इनमें से हर एक की अपनी स्पेसिफिक एक्टिविटी और फायदे हैं। सिद्धासन टेस्टिस और उसके सेल्स पर काम करता है और स्पर्म के प्रोडक्शन को रोकता है। शीर्षासन और सर्वांगासन स्पर्म को माइंड की तरफ फ्लो होने में मदद करते हैं। पादंगुष्ठासन स्पर्म नली पर इफेक्टिवली काम करता है। अब इन आसनों को प्रैक्टिस करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन है जिन्हें हम सभी को ध्यान रखना चाहिए। फिजिकल एक्सरसाइजेस हमारे एक्चुअल सेल्फ को बाहर लाती है। आसन न सिर्फ फिजिकल होते हैं बल्कि स्पिरिचुअल भी होते हैं। वो सेंसेस, मन और शरीर को कंट्रोल करने में काफी मदद करते हैं। इसे शरीर के पार्ट्स प्योरीफाई होते हैं। अगर आप 5 साल तक दिन में 500 बार दिन बैठक करते हैं तो वो किसी भी तरह से कोई स्पिरिचुअल इफेक्ट नहीं डाल पाएंगे। नॉर्मल फिजिकल एक्सरसाइज से शरीर के ऊपरी हिस्सों का ही विकास होता है। फिजिकल एक्सरसाइज के प्रैक्टिस से आप सुंदर बन सकते हैं, लेकिन आसन फिजिकल के साथ साथ स्पिरिचुअल विकास के लिए भी फायदेमंद होते हैं।
इसलिए फर्श पर कंबल बिछाएं और उस पर आसनों की प्रैक्टिस करें। शीर्षासन करते समय सिर के नीचे पते तकिए का इस्तेमाल करें। जब आप आसन करें तो लंगोट या नैपकिन पहनें। चश्मे और बहुत ज्यादा कपड़ों के इस्तेमाल से बचें। जो लोग लंबे समय तक शीर्षासन की प्रैक्टिस करते हैं उन्हें आसन पूरा करने के बाद हल्का खाना या एक कप दूध लेना चाहिए। अपनी प्रैक्टिसेस में कंसिस्टेंट और ऑर्गेनाइज रहें। जो लोग गैप देकर एक बार में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं उन्हें कोई फायदा नहीं मिलता। आसनों से ज्यादा फायदा लेने के लिए प्रैक्टिस में कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। आमतौर पर लोग शुरुआत में बड़े उत्साह के साथ 2 महीने तक प्रैक्टिस करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। ये एक भूल है। आसनों को खाली या हल्का पेट या खाने के कम से कम 3 घंटे बाद करें। आसनों की प्रैक्टिस के दौरान आप प्राणायाम कर सकते हैं। आसनों की प्रैक्टिस नदियों की रेतीले तल, खुले हवादार प्लेसेस और समुद्र के किनारे भी की जा सकती है। अगर आप किसी कमरे में आसन और प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं तो देखें कि कमरा भीड़भाड़ वाला ना हो। कमरा साफ और हवादार होना चाहिए। प्रैक्टिस की शुरुआत में हर आसन को 1 या 2 मिनट के लिए ही करें और फिर धीरे धीरे इस ड्यूरेशन को जितना हो सके बढ़ाएं। अब हम मूल बंद और इसके फायदे के बारे में बात करेंगे। बाईं एड़ी से रिप्रोडक्शन पार्ट के बीच के हिस्से को दबाएं और इसको सिकोड़ें। दाहिनी एड़ी को इसके नीचे लाएं। मूलबंद की प्रैक्टिस से मेन पार्ट को सिकोड़कर ताकत से खींचकर ऊपर की तरफ लाया जाता है। मूलबंद ब्रह्मचर्य को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। प्राणायाम में इनहेलेशन और ध्यान के दौरान भी इसकी प्रैक्टिस की जाती है। मूलबंद एक ऐसी प्रैक्टिस है जो प्रैक्टिशनर को अपान या सेक्सुअल एनर्जी को ऊपर की तरफ ले जाने में मदद करती है। अपान की नेचुरल टेंडेंसी नीचे की तरफ बहने की है। अपान और सेक्सुअल एनर्जी के इस फ्लो को मूलबंद की प्रैक्टिस से रोका जाता है। इसके लिए आपको ध्यान की पोजीशन में बैठकर गुर्दे को सिकोड़कर सांस को रोककर अपान और सेक्सुअल एनर्जी को ऊपर की तरफ ले जाएं। लंबी प्रैक्टिस से नीचे की तरफ स्पर्म फ्लो को ऊर्जा शक्ति या स्पिरिचुअल एनर्जी में बदल दिया जाता है। इस तरह यह प्रैक्टिस नाइट फॉल को कंट्रोल करती है और ब्रह्मचर्य को बनाए रखने में मदद करती है। अब हम प्राणायाम के बारे में बात करेंगे। आसान और कम्फर्टेबल प्राणायाम। इसके लिए अपने मेडिटेशन रूम में खाली पेट पद्मासन की पोजीशन में बैठ जाएं। अपनी आंखें बंद करें। सीधे हाथ के अंगूठे से राइट नासिका या नाक के दाएं हिस्से को बंद करें और बाएं हिस्से से हवा खींचे। बाएं हिस्से को भी दाएं हाथ के छोटे अंगूठे से बंद करें और जितनी देर तक हो सके सांस को रोके रखें। फिर दाहिना अंगूठा हटा दें और बहुत धीरे धीरे सांस छोड़े। फिर इसी तरह नाक के दाहिने हिस्से से सांस अंदर खींचे। जितनी देर रोक सके उतनी देर रोके रखें और फिर बाएं हिस्से से सांस छोड़े। ये पूरा प्रोसेस प्राणायाम है। इसे 20 बार सुबह और 20 बार शाम को करें। धीरे धीरे सांस कंट्रोल ड्यूरेशन और प्राणायामों के नंबर्स को बढ़ाएं। जब आप प्रैक्टिस में आगे बढ़ते हैं तो एक दिन में ऐसा 3 या 4 बार कर सकते हैं और हर बार में 80 प्राणायाम कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम। इसे करने के लिए पद्मासन पोजिशन में बैठ जाएं। शरीर को सीधा रखें, मुंह बंद करें, 20 बार तेजी से सांस लें और छोड़ें। इसे प्रैक्टिस करते समय लगातार तेजी से एक के बाद एक सांसों को बाहर निकालते और अंदर लेते रहें। जब एक बार इस रूटीन को पूरा कर लें, यानी कि 20 बार ऐसा कर लें, तो एक बार आराम से गहरी सांस लें। अब धीरे धीरे सांस लें और छोड़ें। इस तरह पहला राउंड पूरा हो गया। अब थोड़ा आराम करें और फिर दूसरा राउंड करें। इसे 3 बार सुबह और 3 बार शाम को करें। ब्रह्मचारियों के लिए फायदेमंद। ये एक बहुत ही शक्तिशाली प्रैक्टिस है। इसे आप खड़े होकर भी कर सकते हैं। प्राणायाम प्रैक्टिस के लिए हिंट्स। प्राणायाम की प्रैक्टिस के तुरंत बाद नहीं नहाएं। कम से कम आधा घंटा आराम करें। गर्मी के दिनों में सिर्फ सुबह के समय ही प्राणायाम करने बैठें। अगर आपके माइंड में गर्मी लग रही है तो नहाने से पहले ठंडा तेल या मक्खन लगाएं। हमेशा बहुत धीरे धीरे सांस लें और छोड़ें। इस दौरान कोई आवाज ना करें। आपको इस दौरान किसी भी तरह की डिस्ट्रक्टिव आवाज नहीं करनी चाहिए। नाक से ही सांस लें। इस तरह से ऑर्गेनाइज होकर बैठें कि आपको प्राणायाम के किसी भी लेवल पर घुटन या बेचैनी महसूस ना हो। आपको बिना किसी जरूरत सांस छोड़ने की ड्यूरेशन को नहीं बढ़ाना चाहिए। अगर आप इसे बढ़ाते हैं तो फ्लो टूट जाएगा। धीरे धीरे कुंभक यानी कि सांस रोकने की ड्यूरेशन को बढ़ाएं। कुंभक पहले हफ्ते में 4 सेकंड, दूसरे हफ्ते में 8 सेकंड, तीसरे में 12 सेकंड और इसी तरह तब तक करें जब तक आप सांस को रोक कर रख सकें। प्रैक्टिस के दौरान अपने माइंड में पवित्र और अच्छे शब्दों जैसे दुआ या किसी मंत्र को दोहराएं। ऐसा महसूस करें कि ईश्वर दया, माफी और प्यार के साथ हर सांस लेते समय आपके शरीर में एंटर कर रहे हैं और सभी बुरी फीलिंग्स जैसे सेक्सुअल डिजायर, गुस्सा, लालच और जलन बाहर निकाल रहे हैं। जब आप सांस लेते हैं तो महसूस करें कि आप यूनिवर्सल शक्ति से एनर्जी पा रहे हैं और आपका पूरा शरीर ऊपर से पैर तक ताजी एनर्जी से भरा हुआ है। और एंड में एक बात का ध्यान रखें, जब आप बहुत ज्यादा बीमार हों तो प्रैक्टिस को कुछ दिनों के लिए रोक दें। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने ब्रह्मचर्य की प्रैक्टिस को सीखा जिनसे सेक्सुअल डिजायर को आसानी से कंट्रोल करके आप अपने गोल्स पर फोकस कर सकते हैं। आइए अब सीखे हुए लेसन्स को एक बार दोहरा लेते हैं ताकि इन्हें याद रखना आसान हो जाए। वासना हर किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, चाहे आप एक आम इंसान हो या डिसिप्लिन योगी। इसलिए लाइफ में हर समय अवेयर रहें और लड़कियों से ज्यादा घुलने मिलने से बचें।
अपनी डिजायर को कंट्रोल करें, अदरवाइज ये आपको कंट्रोल करेंगी। मन की खूबसूरती शरीर की खूबसूरती से ज्यादा सुंदर है, इसलिए अपने मन को सुंदर बनाने पर ध्यान दें और ऐसे लोगों के साथ रिश्ते बनाएं जिनका मन सुंदर हो। बिजी रहना वासना को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है, इसलिए ऐसे कामों में बिजी रहें जिनसे गोल को पाने में हेल्प मिलती है। सिद्धासन डिजायर्स को कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है। शीर्षासन की रेगुलर प्रैक्टिस करने से पेट, आंत, फेफड़े, दिल, गुर्दे, रिप्रोडक्शन सिस्टम, टॉयलेट सिस्टम, कान और आंखों के कई पुराने रोग ठीक हो जाते हैं। सर्वांगासन, नाइटफॉल और इससे जुड़ी कई बीमारियों को ठीक करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। मत्स्यासन सर्वांगासन की लंबी प्रैक्टिस के कारण हुई गर्दन की जकड़न और सर्वाइकल एरिया की सभी ऐंठन से राहत दिलाता है। सर्वांगासन के तुरंत बाद इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। पद्मंगुष्ठासन स्पर्म नली पर इफेक्टिवली काम करता है। थैंक यू दोस्तों, ये थी बुक द प्रैक्टिस ऑफ ब्रह्मचर्य की समरी, जिसे स्वामी शिवानंदा ने लिखा है। अब आपके स्क्रीन पर है ब्रह्मचर्य से जुड़ी एक और वीडियो, जिसमें हमने ब्रह्मचर्य से जुड़े बहुत से छोटे छोटे सवालों का जवाब दिया है और जिसे बहुत से लोगों ने पसंद किया और जो आपके कुछ और सवालों का जवाब जरूर देगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं और भी बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।